उन सभी को दिल से बहुत बहुत थैंक यू गाइस। आप लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ और आप लोगों के सवालों से भी बहुत प्यार करता हूँ। इसी तरह अपना प्यार उस पर बनाए रहिए हमेशा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभिषेक आफ्टर योर शो दिस इज योर कमबैक राइट, हाउ इज द फील? पूरा जो जनता मिस कर रही थी अभिषेक को एक्टिंग करते हुए या उनके अलग अंदाज को, हाउ इज दैट बटरफ्लाईज यू आर हैविंग इन योर स्टमक फॉर नाउ? मैं अभी तक कहीं गया ही नहीं था जब मैं कमबैक करूं, अभी तो मैं शुरू ही कर रहा हूं और लास्ट शो मेरा अभी कुछ दिन पहले खत्म हुआ और उसके बाद मेरे ख्याल से ये हमने आई थिंक इसकी आधी शूटिंग शो के पहले की थी और इसकी आधी शूटिंग शो के बाद की थी, तो बस वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी रहा है कि हम मैं सेम दिखूँ जो मैं 3-4 महीने पहले दिखता रहा हूँ। और बाकी मैं यही कहूँगा कि अभी जर्नी एक जर्नी शुरू हो रही है और जर्नी में ऐसे लोगों से मिल के उनके साथ इतना अच्छा काम करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं चाहूँगा कि मेरी जर्नी ऐसी चलती रहे ताकि मुझे ज़्यादा वेट करके वापस कम बैक नहीं होना पड़े। सर आप बताइए के यहाँ पर ये जो बहुत चैलेंजिंग शॉट था वीडियो कम्प्लीट ही नहीं हो पाया हमारा, प्लेन में पूरी भीड़ थी, गाड़ियाँ आ जा रही थी और हमारी लाइटिंग हमारा कैमरा मतलब चलते ट्रैफिक के आसपास जैसे लगाया हुआ था, फॉर्मेशन के साथ ही किया हुआ था, बट स्टिल तो उस एम्बियंस में इनका एक्शन बोलना भी हमें सुनाई नहीं दे रहा था, तो जो था बस आपको आपको में हम पढ़ के हाँ हम एक्टिंग कर दे रहे हैं,
पर अनफॉर्चुनेटली कुछ शॉट भी कंप्लीट नहीं पाया, बोल लग पाया सेम टाइम बहुत अच्छा लगा, हम सबको भी बहुत पसंद था वो शॉट। बट उसके अलावा भी जो हमने किया, हमें वहाँ पे जितना भी चाहिए था वो ऑलमोस्ट हमें मिल गया था और हमने शूट हमारा अच्छे से हो गया था, पर वो स्टिल वही कि परमिशन और जो सब चीज़ें प्रोडक्शन ने बहुत अच्छे से वो ध्यान रखा अदरवाइज वो नहीं। अच्छा आखिरी सवाल, आपकी और सना की कैसी केमिस्ट्री है शूट के दौरान? जैसे हमारा पहला शॉट और बस उसी के चलते हमने जितना हो सकता था परफॉर्म करने की कोशिश की, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत कम टाइम में हमें उसे एग्जीक्यूट करना था, तो बस उनका सपोर्ट था और हम लोगों का साथ ऐसे बन गया कि हम लोगों ने गाने को फटाफट शूट कर लिया और आराम के साथ। टाइटल जो बुरका है, ये पूरी टीम से बात करके क्या इसका टाइटल के बारे में क्या डिस्कस किया गया? बुरका और जो सिंगर है या उनकी आर्ट थी कि होता ना एक आर्टिस्ट हर चीज़ में आर्ट ढूंढता है, हर चीज़ में उसको लगता है कि मैं कुछ कॉन्टेंट निकालूँ कुछ। जो म्यूजिशियन है उन्होंने एक तरह से एक बहुत ही आई थिंक सोचफुल गाना बनाने की कोशिश की है, तो आई थिंक वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं और मतलब मुझे अच्छा लगा, सुन के भी अच्छा लगा और मतलब एक टाइटल भी अच्छा था, एक लाइन भी अच्छी थी और एक अटायर था उसके ऊपर एक गाना बनाया था। आई थिंक उससे इट्स एन अमेजिंग जॉब डन बाई यार। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सबको। हमारे अभिनंदन यहाँ पे।